आज की वीडियो में इसके नए कनेक्शन के बारे में समझते हैं। ये है 60 वोल्ट से 300 वोल्ट रेंज का, ठीक है। ये 5 kVA स्टेबलाइजर है, जैसे इसके पहले वाले वीडियो में आप देखे हैं 90 वोल्ट से, और फिर एक 60 वोल्ट कैंसिल वाला देखे हैं। अब आज हम 60 वोल्ट को इंक्लूड करके दिखाते हैं। यहाँ पे 5 रिले यूज किया गया है, और इसमें जो खास बात है, यहाँ पर देखेंगे ये 7 स्टेप बोर्ड है साक्षी का, और इसी के साथ इसका जो कनेक्शन है, कनेक्शन में यहाँ पे डिटेल ये है कि जैसे यहाँ पे जो पॉइंट है 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पॉइंट बने हैं। 8 में 2 हो गया LT, 1 हो गया कॉमन जो पॉजिटिव का है। फिर यहाँ से स्टार्ट होता है इसका R1 R2 R3 R4 R5, यानी 5 रिले। अब यहाँ पे एक खास बात क्या है कि जैसे R1 है, तो ये R1 मतलब हुआ, R मतलब रिले, 1 मतलब हुआ पहला। अब पहला क्या है, 1 2 3 4 5, ये पांचवा जो है आउटपुट है, ठीक है। अब यहाँ से इसका जो पहला R1 कनेक्शन है, ये पहले वाले रिले पे जाएगा, R2 दूसरे वाले पे जाएगा, और इसी तरीके से ये R3 तीसरे पे जाएगा, R4 चौथे पे जाएगा, R5 पांचवें आउटपुट पे जाएगा। अब इसी के साथ साथ इसके स्टेप को भी हम आज काउंट करेंगे, और इसमें इनपुट और आउटपुट, यानी ये इनपुट का ये है और ये आउटपुट, यानी इसमें जो वोल्टेज शो होगा आउटपुट का होगा, इसमें जो वोल्टेज शो होगा इनपुट का होगा। चलिए इसे एसी के रेंज पे रखते हैं, और यहाँ पे इसके एलईडी को भी ऑन कर लेंगे, यहाँ भी इसके एलईडी को ऑन कर लेंगे, ठीक है। ये एसी के मोड पे 600 के रेंज पे है, ठीक है। अब ऑन करते हैं और पहला स्टेप से काउंट करेंगे वोल्टेज के साथ। देखिए यहाँ पे 63 वोल्ट शो हो रहा है, 209 आउटपुट है। अब इसी के साथ आप यहाँ पर काउंट भी गिनें, तो हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ 63 वोल्ट है इनपुट, और आउटपुट है 210। बढ़ाते हैं और काउंट करें स्टेप। फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप, फाइव स्टेप, सिक्स स्टेप, सेवन स्टेप। अब इसके बाद कोई भी स्टेप नहीं होगा, ठीक है। इतना मैक्सिमम हमारे पास इनपुट है जो आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इनपुट 261 और आउटपुट 212, तो इसी तरीके से इसकी वायरिंग करनी होती है, वो अभी हम सर्किट डायग्राम देखते हैं। और यहाँ पे है इसका जो हम इसे फिर से ऑफ करते हैं और फिर ऑन करते हैं, यहाँ पर देखें ये LED, ठीक है, 255 पे यहाँ पे आउटपुट इतना शो किया है। देखिए इसका कनेक्शन ये है ट्रांसफार्मर, ठीक है। ये है LT, यानी लो वोल्टेज का टर्न है इधर साइड में, 24 वोल्ट रिले के लिए। अब और यहाँ पर इस समय इस कंडीशन में ये देखेंगे, ये जो टर्न है यहाँ है, ये न्यूट्रल, ठीक है। न्यूट्रल के लो मतलब न्यूट्रल के साथ अगर काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6, यानी 6 यहाँ पे ये जो लूप आउट हुए हैं वायर, ये हैं 6, ठीक है। 6 में अगर न्यूट्रल को हटा देते हैं तो बचते हैं 5। अब ये पांचों वायर का कनेक्शन कैसे करना है, जो ट्रांसफार्मर से निकले हैं उसको हम यहाँ पर देखते हैं। जैसे R1 है, तो R1 का जो रिले 1 है, इसको हमने जो है यहाँ 7 स्टेप बोर्ड से एक कामन छोड़ के, कामन क्या है, कामन पॉजिटिव सप्लाई है, जो कि यहाँ पे जैसे ये रिले का जो कॉयल है जिससे ऑन ऑफ होता है, तो इसके पॉइंट को हमने छोड़ दिया है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी जो है कंजेस्टेड हो जाता। तो और यहाँ पर आपको दिखा देंगे और ऐसे बता देंगे कैसे, जैसे ये कामन है, कामन पे ऐसे इसको यहाँ पर एक बार जोड़ दें, फिर यहाँ पर जोड़ दें, फिर यहाँ पर जोड़ दें, फिर यहाँ पर जोड़ दें,
फिर जो लास्ट वाला हो ऐसे ले आएँ, यहाँ पर जोड़ दें। ठीक है, अब इसके साथ हम स्टार्ट करते हैं जो सीरियल वाइज जो इसका कनेक्शन है। देखिए R1 R1 में और R2 R2 में, R3 R3 में, R4 R4 में, R5 R5 में। ठीक है, या R मतलब जो बोल रहे हैं रिले। अब यह है आउटपुट का, यह है इनपुट का रिले, यह पहला। जैसे अदर कनेक्शन जब देखते हैं तो यहाँ पे जो NC पॉइंट में है डायरेक्ट ट्रांसफार्मर से वायर आता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे देखिए ये जो इसका पहला जो स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग अगर देखेंगे तो तीसरे नंबर के रिले पे NC पे जुड़ा है, और इसका जो है दूसरा नंबर तीसरे रिले के NO पे जुड़ा है, फिर तीसरा देखेंगे तीसरा यहाँ पे दूसरे रिले के NO पे जुड़ा है, फिर चौथा देखेंगे चौथा यहाँ पे चौथे रिले के NO पे जुड़ा है, और लास्ट वाला जो है चौथे रिले के NC पे जुड़ा है। यानी इस तरीके से समझें, इधर से आउटपुट साइड से, कि ये दो वायर जो है ट्रांसफार्मर का, ये जो आखिरी में है ये चौथे रिले के NC से जुड़ेगा, फिर इसका दूसरा जो है NO से जुड़ेगा, फिर इधर चले आइए, ये दो एक छोड़ दीजिए बीच में, फिर ये दो जो है यहाँ पे जैसे इसको आखिरी में NC पे जोड़े हैं, ऐसे यहाँ पे इसको यहाँ NC पे जोड़ें, और इसका दूसरा जो है NO पे जोड़ दें। ठीक है, फिर बीच वाला बचता है तो बीच वाला यहाँ पे ले आएँ दूसरे रिले के NO पे। अब इसके बाद आ जाता है, या तो इसको पहले ऐसे जम्पर जोड़ दें पोल से NC पे, फिर पोल से NC पे। तो ऐसे पहले अगर आपको कनेक्शन करना है तो पहले NC से पोल, फिर NC से पोल, दो जम्पर दे दिए। दो जम्पर देने के बाद अब आप कनेक्शन स्टार्ट करें यहाँ से, कहाँ से, तीसरे नंबर रिले से। तो तीसरे नंबर से जो पहला स्टार्ट होगा NC पे ले आएँ, फिर NO पे ले आएँ। इसी तरीके से ये बीच वाला यहाँ पर एक जो सबसे खास बात है, यहाँ पे NO से जो हमको NC पे ले जाना है चौथे नंबर रिले पे, पांचवा हमारा आउटपुट है। ठीक है, तो आज जो हम इस वीडियो में देखे हैं 7 स्टेप का कटिंग की काउंट किए हैं वोल्टेज के साथ, ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा, क्योंकि इसमें मेजरमेंट के लिए ये फ़ायदा है कि किस स्टेप पे कितने वोल्टेज इन हो रहे हैं, कितने वोल्ट आउट हो रहे हैं, ये काउंट आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि आपने रिले का जो कट से आवाज़ सुना है वो रिले ऑन का आवाज़ है, यानी स्टेप है। तो स्टेप मतलब सीढ़ी हुआ, एक के बाद एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, यानी 7 तक के काउंट को हम इसमें देखे हैं वीडियो में। अब इस बोर्ड के LED के कनेक्शन को समझते हैं। इसमें देखिए दो एक ही में है, दो कलर, यानी पहले में जो है ये हरा जलेगा, जो कि ये इंडिकेट करता है स्टेबलाइजर को ऑन होने का, और ये जब ऑटो कट में होता है तो रेड जलता है, यानी जब 300 वोल्ट यहाँ पे इन हो जाते हैं तो ये इस समय ये हमारा रेड कलर का ब्लिंक करता है LED। ठीक है, और ये आई स्टार्ट यानी इंस्टेंट स्टार्ट स्विच के लिए है, अगर स्विच नहीं लगाना हो तो डायरेक्ट आप यहाँ पे जम्पर लगा सकते हैं। ठीक है, ये इंस्टेंट स्टार्ट मतलब जैसे आगे स्विच होता है, अगर जो टाइमर लगा है उससे पहले आपको स्टार्ट करना है तो इस स्विच को प्रेस कर दें तो ये तुरंत स्टार्ट हो जाएगा, नहीं तो आप टाइमर का यूज़ कर सकते हैं, जितना चाहें उतना डिले बढ़ा सकते हैं टाइम। और यहाँ पे जो है इसकी जो सेटिंग होती है, ये इनपुट पहले स्टार्ट किया जाएगा 50 वोल्ट से, फिर जितने पे एडजस्ट करना हो जैसा कि हमने बताया था उसी के अनुसार वीडियो देख लीजिएगा, उसके अनुसार इसको सेट कर लीजिएगा। और इसमें जो खास बात है ये है कि जैसे यहाँ पर देखें NO से एक नीला हमने जो है यहाँ कनेक्शन दिया है, तो एक जम्पर यहाँ एक हो गया, और एक जम्पर ये दो, फिर एक जम्पर ये तीन, फिर एक जम्पर ये चार, ये चार जम्पर यूज किया जाएगा। ये हम नीला वाला दिखाते हैं कहाँ लगा है, यहाँ पर देखें ये नीला वाला वायर हमने जो फर्स्ट रिले के NO से जोड़ा है, और यहाँ जोड़ के लास्ट में ये जो 4 नंबर का रिले है इसके NC पॉइंट से जोड़ा है, जो कि लास्ट में ट्रांसफार्मर का वायर यहाँ पर जुड़ रहा है। ठीक है, ये तो ये एक लंबा कनेक्शन है यहाँ पे, फिर इसके बाद यहाँ देखिए यहाँ से यहाँ जम्पर दिया है, फिर यहाँ से यहाँ जम्पर दिया है, यानी NC से पोल पे, NC से पोल पे, फिर NO से लास्ट में NC पे, और फिर यहाँ पे पोल पोल कनेक्शन डायरेक्ट कर दिया जाएगा यहाँ से यहाँ, फिर ये आउटपुट में दे दिया जाएगा, जो कि ये बैक साइड में है इसका आउटपुट और ये है इनपुट। ठीक है, यहाँ पे बोर्ड में देख लें, ये है इसका आई स्टार्ट
और ये है एलईडी। जो रेड कलर वायर है वो है ग्रीन, और जो ब्राउन है वो है ग्राउंड, और जो ब्लैक है वो है रेड। यहाँ पे इस तरीके से ये 2-in-1 एलईडी है, इसमें ग्रीन भी चलेगा और जब हाई वोल्टेज हो जाएगा तो रेड भी चलेगा, ठीक है। यहाँ पे MCB चाहें तो आप डबल यूज कर सकते हैं न्यूट्रल फेस दोनों को कट करने के लिए, या आउटपुट इनपुट को भी इसमें, या एक सिंगल भी यूज कर सकते हैं जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है। और मीटर का कनेक्शन जो है यहाँ पे, जैसे ये ग्रीन कलर है और ये, यानी यहाँ पे 2-way स्विच लगा हुआ है, ये रेड वायर यहाँ पे देखेंगे तो ये आया है स्टार्टिंग में इनपुट में, और ग्रीन वायर गया है आउटपुट में, और बीच वाला यहाँ पे मीटर में, एसी का वोल्ट मीटर में, और ये है इसका न्यूट्रल, यानी इस स्विच से यहाँ पे बीच में जुड़ जाएगा जो कि यहाँ आगे इंडिकेट करेगा वोल्ट। ये इनपुट था, अब इसको हम आउट कर देते हैं, ठीक।